खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। सीहोर, मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होना है और सत्ता में आने के लिए कांग्रेस इस बार किसी प्रकार की चूक करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले कांग्रेस जनाक्रोश यात्रा निकालकर जनता तक पहुंच रही है और भाजपा की प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिना रही है। लिहाजा कांग्रेस की जन आक्रोश रैली शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर पहुंची, जहां कांग्रेस की इस यात्रा को लीड कर रहे हैं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का सीहोर विधानसभा से कांग्रेस के दावेदार शशांक सक्सेना, हरपाल ठाकुर, राजीव गुजराती के नेतृत्व में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई सभा स्थल बड़ा बाजार पहुंची, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए खूब तंज कसा कि सच में आपको प्रदेश की जनता बहुत याद करेगी मामा। दरअसल बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में लाली बहनों और जनता से बार बार यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बस इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर खूब तंज कसा। सुनिए आप भी जीतू पटवारी का शिवराज पर यह तंज। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के भाई और दूसरे किसान भाई नौजवान, ये सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, यहाँ पर 2000 लोग, कोई भी फैक्ट्री डलवाई जाएगी आप याद जरूर आओगे कि आपने मंडी लगा दी विधायक, जो याद नहीं आओगे, आपने सब चीजें से बिकवा दी है जनप्रतिनिधि, क्यों याद नहीं आओगे, क्यों याद नहीं आओगे शिवराज जी, आप युगो युगो तक याद आओ कि आपने, आप इतने बड़े ढोल हो कि बोलते बहुत हो, आवाज दूर तक जाती है पर अंदर जितनी ठोल में बोले उतनी बोल आपने। आप याद आओगे कि किसानों के हाथ पसते में मेरा प्रदेश नंबर वन आपने बना है, देश को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी तो मामा आपने दी, याद आओगे, याद आओगे कि 1000 करोड़ रुपए का आज ही आपने कर्जा लिया, आज जब हम बात कर रहे हैं, और आज ही आपने 45,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन ऑनलाइन भी कर दी। कल्पना करो मेरे घर में खाने के लिए व्यवस्था चलाने के लिए एक पैसा नहीं है, आज ही मैंने बाजार से, बैंक से नहीं, बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया मध्य प्रदेश शासन ने, और आज ही 45,000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन भूमि पूजन कर दी। याद आओगे मामा, कितनी धूल झोंकते हो आप, तो मैं याद आओ बना चुकी है। जो परिस्थितियां हैं वो सर्वविदित है। शिवराज जी ने सीहोर में कहा मैं चुनाव लड़ू की नहीं लड़ू, ये एहसास क्या कराता है, ये हताशा का एहसास। ये बहनों को कहते हैं कि मैं बहुत याद आऊंगा, बिल्कुल याद आओगे, क्योंकि आपने बेरोजगार प्रदेश बनाया, कर्जदार प्रदेश बनाया, आत्महत्या का प्रदेश बनाया, किसानों की हताशा का प्रदेश बनाया आपने। आज का ये वाक्य है जिसमें आपने 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया और आपने 1000 करोड़ रुपए के लोन में 45,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन कर दिए, ये किसको मूर्ख बना रहे हो, जनता को या खुद को, ये एहसास कराता है। मैं मानता हूँ बीजेपी जाने वाली है, शिवराज जी जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली। सीहोर से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.